गत 2 साल पहले हर विधानसभा क्षेत्र में यूथ कांग्रेस के प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में विजेता रहे। बड़ौदा विधानसभा के अध्यक्ष अनुज लटवाल ने शुक्रवार को लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर जंबो यूथ कमेटी की घोषणा करते हुए उन्होंने 3 उपप्रधान और 18 महासचिव मनोनीत किए। प्रदेश के यूथ के अध्यक्ष दिव्याशु बुद्धविराजा और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सूर्या ने लंबी माथापच्ची के बाद सूची जारी की। सूची में जातिगत समीकरण भी फिट किए गए हैं। आज बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल के कार्यालय में सभी पूरी मनोनीत कांग्रेस कमेटी का जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर विधायक अनुज लटवाल और नवनियुक्त पदाधिकारियों ने क्या कहा सुनते हैं। युवा के प्रधान अनुज लटवाल, छोटा भाई है मेरा, आज मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि आपने अच्छी टीम हल्का बड़ौदा की हर वर्ग से हर जाति से युवा को एक टीम देने का काम किया, चाहे वाइस प्रेसिडेंट रहे चाहे महासचिव है हल्का बड़ौदा में। सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं इनको आशीर्वाद भी दूंगा और ये आगे बढ़े, मैं इनके साथ रहूँगा। जहाँ भी मेरी इन्होंने ज़रूरत होगी या मैंने इनकी ज़रूरत होगी, तत्पर हम दोनों साथ एक साथ मिलकर कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे और आगे की प्रक्रिया अनुज लटवाल जो हमारे यूथ के प्रधान हैं वो बताएंगे। हमारे विधायक जी वो मेरे फादर साहब को और मेरे बड़े भाई अनुज लटवाल को, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। मैं तन मन और धन से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा, उसका आगे लेकर जाऊंगा। अच्छा, आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, आपके पिता भी कांग्रेसी हैं, वो जिला पार्षद भी हैं, दादा भी आपके पुराने रहे हैं, तो तीसरी पीढ़ी आ गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं कांग्रेस से जुड़ाव होने का? बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और मेरे फादर साहब के लिए कि मुझे इस काम के लिए चुना और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा से। ये नहीं है कि मेरे स्तर पर होती है लिस्ट, हमारी हमने लिस्ट बना के हमारी तैयार करी हुई थी। लिस्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो हमें एक्टिव हमारे साथी लगे हैं, युवा साथी, जो सरकार की कुछ में साथी वो भी है सरकार की नीतियों से परेशान होकर जिन्होंने कांग्रेस में आए हैं। हमारी लिस्ट आउट हमारे प्रभारी जो प्रदीप सूर्या जी हैं, अरुणा महाजन जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी हैं, उनसे विचार विमर्श करके तब ये लिस्ट बनाई गई। कितने लोग हैं जो इनको आपने कमेटी में लिया? हमारे कमेटी में मैं इंक्लूडिंग में अगर मैं खुद को इंक्लूड करता हूँ तो 22 लोग हैं। 21 लोग जो नए हैं इनको कमेटी में लिया गया है, जिसमें से हमारे 3 उपाध्यक्ष हैं व 18 हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो क्या पूरी स्टेट की कार्यकारिणी इस तरह से हल्का वाइज आज ही इशू की गई है? नहीं, आज ही इशू नहीं की है। जैसे जैसे हमें अपने नौजवान साथियों की छटनी कर रहे हैं हल्के में से, जो हमारे मजबूत नौजवान साथी हमें मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हल्के वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आउट होती जा रही है। तो ये जो एक बड़ी जंबो कार्यकारिणी है, इनको कांग्रेस की नीतियों से इनको कैसे परिचित किया जाए, क्योंकि आपको एक तरह से प्रशिक्षण भी देना है, नए यूथ जुड़े हैं, तो ये एक बड़े अच्छे तरीके से आपके लिए काम करें, आपकी पार्टी के लिए काम करें, उसका क्या पैटर्न रहेगा आपका? पैटर्न जी हमारे सबसे पहले है, आप हरियाणा के अंदर आज बेरोजगारी दर सभी को पता है, जो लक्षद्वीप जो टापू है उनके बराबर आज हरियाणा की बेरोजगारी दर है। जिन मेरे युवा साथी जो जुड़े हैं, काफ़ी वो युवा साथी हैं जो बेरोजगारी से परेशान होकर, और यूथ कांग्रेस की कमेटी वो कमेटी है जिसमें एक साधारण गरीब परिवार का बच्चा भी आकर चुनाव लड़ सकता है और यूथ कांग्रेस के राजनीतिक स्तर को आगे बढ़ा सकता है और देश के भविष्य को बचा सकता है। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।